हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गाजर का हलवा बनाना बता रही हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैंने ये 2 किलो गाजर ली है। गाजर को मैंने इस तरह से छीलने के बाद छोटे पीस में गोल गोल रिंग जैसा कर लिया है। थोड़ा सा बड़ा रखा है इसे मैंने, एकदम पतला नहीं करा है। इसके लिए जो मोटा पार्ट था उसे इस तरह से मैंने एक के जहाँ 2 पीस हो सकते थे वहाँ 2 करे, जहाँ ज़्यादा मोटा था वहाँ मैंने इसके इस तरह से 4 पीस कर दिए। बस इस तरह से आपको गाजर को काटना है। मैंने एक कुकर लिया है, इसके अंदर आप पूरी गाजर डाल दीजिए। गाजर को मैंने पूरे कुकर के अंदर डाल दिया है। इसके अंदर ये दूध डाल रही हूँ मैं, भैंस का दूध लिया है मैंने, 1.5 लीटर मेरा ये भैंस का दूध है। अब पूरा इसके अंदर डाल दीजिए। मैंने कुकर को गैस के ऊपर रख दिया है। आपको 1 सीटी तेज में लेना है और 1 सीटी कम में लेना है। उसके बाद इसकी प्रेशर इस तरह से अपना आप निकल जाएगी जब तक हम इसका इंतजार करेंगे। प्रेशर निकल चुकी है, कुकर ही एकदम अच्छे से ठंडा हो गया। इसका मैंने ढक्कन खोल दिया। ये देखिए, इस तरह से गाजर को आप उठा के देखिए, दबाएंगे ये इस तरह से पूरी दब रही, एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गई। इसको करना क्या है, मैं इस तरह से आप एक मेशर ले लीजिए, इससे हल्का से इसे हम मेश करेंगे। इसे हम मेश करेंगे तो एकदम छोटे छोटे पीस में ये अपना टूट जाएगी। ये देखिए टूटने लगे क्योंकि एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। मैंने इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है, अच्छे से इसे मैंने मैश कर लिया है। बस इसी तरह से इसे आप चलाते जाइए। इसका पूरा दूध जो उसे हमें सुखाना है। ये प्रोसीजर में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे क्योंकि मैंने दूध थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। मुझे 10 मिनट हो गए इसे इस तरह से उबालते हुए। आधा इसका दूध जो है वो अच्छे से सूख गया है तो ये थोड़ा सा गाढ़े होने लगा है। इसके अंदर अब मैं शक्कर ऐड कर रही हूँ। मैंने ये 300 ग्राम शक्कर ली है, मतलब 1.5 कप। जो मेज़र वाला कप आता है उससे नाप के मैंने शक्कर ली है। पूरी शक्कर आप इसके अंदर डाल दीजिए और इसके साथ में इसे मिक्स करते जाइए। इसका पूरा दूध जो है वो हम सुखाएंगे। बिल्कुल हल्का सा इसमें गीलापन बचा है। इसके अलावा मैं इसमें खोआ डाल रही हूँ। मैंने ये 3 कप खोआ लिया है, लगभग ये 500 ग्राम के करीब है खोआ मेरा। इसको भी इसके साथ आप मिक्स कर दीजिए। जब तक हम अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें से घी ना आने लगे। देख सकते हैं साइड से इसे थोड़ा सा घी जैसा आने लगा, जो मतलब खोए में घी था वही आया है। अब इसके अंदर मैं 1 बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ ताकि इससे इसका कलर भी बढ़िया आएगा और टेस्ट भी एकदम अच्छा हो जाएगा। इसे आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद इसे बस हम 2 से 3 मिनट तक और करेंगे क्योंकि इसका पूरा दूध जो था वो पूरा सूख चुका है। गैस तेज कर दीजिए आप, 2 मिनट तक इसे हमें और करना है। ये कंप्लीट हो चुका है, पूरा अच्छे से इसका दूध जो था वो सूख चुका है। मैं गैस को बंद कर रही हूँ। इसी में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ मैं, थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू। ये हलवा बन के तैयार हो चुका है। देख सकते कितना बढ़िया और एकदम अच्छा कलर आया इसका। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है मैंने इसे बगैर पीसे बनाया है। ना मैंने इसे पीसा है ना ही मैंने इसे कीसा है। अगर आपको मेरा ये हलवा बनाने का तरीका पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।